दोनों का लक्ष्य एक ही था कि देश आज़ाद हो जाए, परंतु जो रास्ते थे वो अलग थे और ये दो रास्ते कभी मेल ही नहीं खाएंगे और कभी उनका मुलाकात हो भी नहीं सकता। तो सावरकर जी के जो जीवन के समय में उनका विचार बाकी के लोगों के बारे में, उनकी विचारधारा के बारे में क्या था? Did Savarkar ever talk about whether Gandhi is doing something right, whether Tilak was right, Garam Dal, Naram Dal, Nehru, Jinnah, Pakistan question? क्या सावरकर ने उन लोगों के बारे में कभी कोई कमेंट किए या उन लोगों ने सावरकर के बारे में, जैसे भगत सिंह सावरकर के फैन थे ये थोड़ा बहुत नोन है, कोशिश लोग करते हैं कि ये छुपाया जाए लेकिन नोन है फिर भी, तो बाकी लोगों से उनके संबंध या विचार और उनका बाकी लोगों के बारे में क्या विचार था? बाप रे, इस पे तो बहुत सुदीर्घ चर्चा हो सकता है क्योंकि ये बाकी लोगों पे हमेशा कमेंट ही करते थे क्योंकि वो जर्नलिस्ट थे। मूलतः वो आइडियोलॉग होने के साथ साथ वो श्रद्धानंद नाम का एक न्यूज़पेपर भी चलाते थे, स्वामी श्रद्धानंद के स्मृति में, आर्य समाज के जो स्वामी जी थे जिनकी हत्या अब्दुल राशिद ने कर दिया था, जिसके होने के बाद गांधी जी ने उनको माय डियर ब्रदर अब्दुल राशिद बोला था। आई डू नॉट इवन कंसिडर हिम एज एन असैसिन, हमें उनके जो असैसिन हैं उनकी मनस्थिति को समझना चाहिए कि क्यों उन्होंने अपना बंदूक उठाया। हालांकि दो दशक बाद किसी ने, गांधीवादियों ने ये नहीं बोला कि माय डियर ब्रदर गोडसे ने क्यों एक बंदूक उठाया। उनका जो वक्तव्य और जो कृत्य किया उन्होंने वो तो गलत है, परंतु उन्हीं का स्टैंडर्ड्स अगर अप्लाई होते कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाई डिड दैट पर्सन टेक द एक्सट्रीम स्टेप ऑफ किलिंग समवन, तो ये श्रद्धानंद तब शुरू हुआ था। और उसमें खासकर गांधी जी के बारे में, आई थिंक गांधी एंड सावरकर वर द टू अपोजिट पोल्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड मॉडर्न इंडिया, जो कभी शायद मिलेंगे ही नहीं। और ये बार बार उनमें, गांधी जी कुछ भी लिखते थे अपने जो गुजराती न्यूज़पेपर हो या यंग इंडिया में, उस पर ये कटाक्ष करते थे और गांधी जी शायद उतना उन पर, ही वुड प्रॉब्ली इग्नोर हिम, बट सावरकर वुड कॉन्स्टेंटली कीप राइटिंग अबाउट हिम, अबाउट द कांग्रेस पर्टिकुलरली, और कांग्रेस की जो तुष्टीकरण की राजनीति थी। इनफैक्ट 1937 में जब वो रत्नागिरी से छूट के आए तो कांग्रेस के सारे नेता चाहते थे कि ये कांग्रेस में शामिल हो जाएं। तो 1937 जब उनका एक बम्बई में एक बड़ा सा एक पब्लिक रिसेप्शन हुआ तो बहुत सारे मैसेजेस आए नेहरू से, तब के प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस से, राजगोपालाचारी से, बहुत सारे लोगों से कि आप कांग्रेस में शामिल हो जाए। ये तो इट वाज अ टेकन फॉर ग्रांटेड कि अब तो ये रिहा हो गए हैं तो अब ये कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। तब सावरकर जी ने कहा था कि आई वुड रादर प्रिफर टू बी इन द लास्ट रो ऑफ द पेट्रियट्स दैन इन द फर्स्ट रो ऑफ द ट्रेटर्स, एंड द कांग्रेस अकॉर्डिंग टू हिम वॉज डूइंग ट्रेचरी विद द नेशन, बिकॉज वो तुष्टीकरण की राजनीति में बहुत आगे निकल गए हैं और देश ब्रिटिश सरकार ने की, तो उसको दो साल उस पर अध्ययन करके उन्होंने ब्रिटिश आर्काइव से दस्तावेज निकाल के जो किताब लिखी वो इट बिकेम अ इंस्पायरिंग बुक फॉर रेवोल्यूशनरीज फॉर सेवरल डेकेड्स। और भगत सिंह ने उसका जो दूसरा एडिशन था उसको पब्लिश किया था, उनके जो मतवाला न्यूज़पेपर है उसमें बहुत सारे सावरकर के बारे में, ही हैज़ वेरी गुड थिंग्स टू से कि ये ऐसे सेंसिटिव रेवोल्यूशनरी हैं, एक ऑन द वन हैंड ही इज़ अ रेवोल्यूशनरी बट ही इज़ सो सेंसिटिव कि ही डजंट इवन लाइक टू कीप हिज लेग फुट ऑन द ग्रास, ताकि ग्रास द घास को दर्द ना हो जाए, तो इतने सेंसिटिव व्यक्ति हैं, ऐसा भगत सिंह इनके बारे में लिखते हैं। और इनकी जो जेल डायरी भी थी भगत सिंह की, उसमें हिंदू पदपादशाही जो सावरकर की किताब थी उसके बहुत सारे अंश उद्धृत उसमें हैं।
और सावरकर जी खुद यू नो भगत सिंह जी के बारे में ही वुड ऑलवेज राइट वेरी हाईली अबाउट नॉट ओनली हिम बट बाकी सारे जो क्रांतिकारी थे जतिन दास वगैरह और सुखदेव राजगुरु अशफाकुल्ला ये भी एक दुष्प्रचार फैलाया जाता है कि अशफाकुल्ला खान के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बोला क्योंकि वो मुसलमान थे परंतु श्रद्धानंद में उन्होंने एक पूरा एक आर्टिकल लिखा था जनतेचा प्यारा अशफाक जब उनको फांसी लगाया गया तो ये दुष्प्रचार का जो माहौल है इतना ज़्यादा और दूसरे पक्ष के लोगों को उतनी जानकारी भी नहीं होती कि कैसे इस दुष्प्रचार का सामना किया जाए तो जतिन दास भी जो जेल में अनशन करते हुए मर गए थे उनके बारे में गांधी जी ने एक शब्द नहीं कहा था और बहुत सारे कांग्रेस के लोग उसके खिलाफ थे कि आप कुछ तो बोलिए कि एक युवा क्रांतिकारी आपके ही मार्ग पे अनशन करने के मार्ग पे करते करते वो मर गए हैं थोड़ी तो सहानुभूति आप जता दीजिए उन्होंने अंत तक कुछ नहीं बोला इनफैक्ट सुभाष चंद्र बोस खुद वो इंडियन स्ट्रगल नाम की किताब में लिखते हैं कि वी कैनॉट अंडरस्टैंड व्हाई ही केप्ट अ साइलेंस एंड देयर वाज लॉट ऑफ प्रेशर ऑन हिम टू टॉक समथिंग तो उसके बारे में भी सावरकर ने बहुत इनके बारे में टीका टिप्पणी की थी और इन दोनों का जो है जो आपस का संबंध दैट्स अ ब्यूटिफुल केस स्टडी इन इटसेल्फ ऑफ डाइवर्जेंट व्यूज तो सबसे पहले वो लंदन में मिलते हैं जब दे वर यंग पीपल सावरकर वहाँ स्टूडेंट थे इंडिया हाउस में और गांधी जी साउथ अफ्रीका से वहाँ आते हैं 1906 की बात है तो तब ये उसका वैसे प्रमाण तो कहीं है नहीं वो हरिंद्र श्रीवास्तव की किताब में ये उद्धृत है कि किसी एक आई विटनेस भाई परमानंद उन्होंने इसका जिक्र किया है कि सावरकर किचन में प्रॉन्स पका रहे थे और गांधी जी उनसे बात करने के लिए जाते हैं और वो देखते हैं कि अरे भाई साहब ये तो चित्पावन ब्राह्मण हैं और प्रॉन्स खा रहे हैं तो सावरकर ने उनको भी खाने को दिए तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं शाकाहारी हूँ मैं नहीं खाऊँगा तो उन्होंने उन पर कटाक्ष किया कि ये तो दिस इज़ जस्ट बॉइल्ड फिश आप हमारे साथ खा नहीं सकते तो हमारे साथ काम कैसे करेंगे और हम तो ऐसे युवाओं को तैयार करना चाहते हैं जो अंग्रेज़ों को कच्चा चबा जाएं आप तो बॉइल्ड फिश भी नहीं खा पा रहे हैं तो ये एक बहुत ही एक वियर्ड सा पहला मुलाकात था उन दोनों को और 3 साल बाद 1909 में मदनलाल ढींगरा के एग्जीक्यूशन के बाद वो दोनों फिर से मिलते हैं लंदन में और तब दशहरा का ये है पर्व और इंडिया हाउस में बहुत सारे दशहरा हो शिवाजी जयंती इन सब पे बहुत सारे व्याख्यान होते थे तो गांधी जी पहले बोले वहाँ पे और उन्होंने कहा कि मैं राजनीति के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा मैं अहिंसा के बारे में अहिंसा क्या है उसकी क्या एडवांटेजेस हैं और राम राज्य की स्थापना अहिंसा से कैसे हो सकता है उसके बारे में उन्होंने लंबा सा भाषण दिया और उसके तुरंत बाद सावरकर का भाषण होता है और उन्होंने हर एक बिंदु का विरोध करते हुए अपना पक्ष रखा कि देखिए राम राज्य की स्थापना भी रावण को मारने के बाद हुआ राम ने वहाँ जाके रावण के सामने सत्याग्रह नहीं करके बैठे कि आप सीता को छोड़ दीजिए उनका वध करने के बाद ही ये संभव हो पाया और हम बैठे हैं दशहरे में जहाँ 9 दिन देवी की हम उपासना करते हैं और देवी का रौद्र रूप भी हम देखते हैं कि कैसे दानवों का वो संहार कर रही है और हमारे हिंदू धर्म में सारे जो देवी देवता हैं उनको अस्त्र शस्त्रों के साथ ही दिखाया गया है और ये सिर्फ ऑर्नामेंटल चीज़ नहीं है कि ऐसे रख दिया है पोज देने के लिए तो दुष्टों का संहार और अधर्म का जो है दमन करने के लिए शस्त्र उठाना बहुत ही धार्मिक एक चीज़ है हमारी संस्कृति में और भगवद्गीता में भी बोला गया है कि शत्रु अगर आपका भाई हो आपका गुरु हो आपका बड़ा हो कोई भी हो अगर वो अधर्म का साथ दे रहा है तो उसको मारना लाजमी है और वो आपका धर्म बनता है तो उनका वही प्रश्न था कि क्या आप ब्रिटिश सरकार को धार्मिक या अधार्मिक मानते हैं अगर वो अधार्मिक है तो हमारी संस्कृति के और हमारे धर्म के अनुसार उनके ऊपर शस्त्र चलाना भी एक धार्मिक हमारा कर्तव्य बन जाता है तो बहुत ही फंडामेंटल तरीके से दोनों के विचारों में इतना मतांतर था दोनों का लक्ष्य एक ही था कि देश आज़ाद हो जाए परंतु जो रास्ते थे वो अलग थे और ये दो रास्ते कभी मेल ही नहीं खाएंगे और कभी उनका मुलाकात हो भी नहीं सकता तो बाद में 1926 में एक बार फिर से वो मिले जब सावरकर रत्नागिरी में इंटर्ड थे तो तब भी
का बहुत लंबा, और गांधी जी उनके घर जाते हैं और कस्तूरबा भी आती हैं, सबका मुलाकात होता है, और तब शुद्धि का जो मूवमेंट चला रहे थे वो वहाँ, कि हिंदू धर्म से जो बाहर चले गए थे उनको कैसे उनका घर वापसी कर दिया जाए, तो उस पर गांधी जी काफ़ी नाराज़ थे कि आप ये मत कीजिए वगैरह। तो इस पर बहुत लंबा शास्त्रार्थ दोनों के बीच में चलता रहा, और जाते वक्त गांधी जी को पता चल गया था कि हमारे जो विचार हैं वो कभी नहीं मिलेंगे, तो उन्होंने बोला गया है जो आई विटनेस अकाउंट कि जाते वक्त उन्होंने कहा कि सावरकर, हमारा और आपका जो विचार है वो कभी मिलेंगे नहीं, पर आई होप दैट यू विल अलाउ मी टू कंटिन्यू विथ व्हाट आई एम डूइंग माई एक्सपेरिमेंट्स। तो उन्होंने कहा ऑफ कोर्स महात्मा जी, आप जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, परंतु आपको याद रखना चाहिए कि योर एक्सपेरिमेंट्स विल बी वेरी कॉस्टली फॉर द कंट्री, एंड प्रोबेबली दैट वाज प्रोफेटिक। 1926 में उन्होंने ये बात कही, और 20 साल बाद जो सब कॉन्टिनेंट में जो हुआ देश का विभाजन और जो नरसंहार वगैरह, तो इसका दायित्व किस पे जाता है, किस विचारधारा पे जाता है, ये गौरतलब है।